अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऑनलाइन कैब सर्विस ऊबर, करीम और बाकिया, इन कंपनियों के रेट्स क्या हैं? क्या ये कंपनियां आपसे ओवरचार्जिंग करती हैं या फिर ड्राइवर आपसे ओवरचार्जिंग करता है? आप दोस्त खुद इन कंपनियों के रेट्स चेक कर सकते हैं। आप दोस्त से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले हम करीम के रेट्स चेक करते हैं कि हाँ जी, करीम के रेट्स कैसे चेक किए जा सकते हैं। करीम की एप्लीकेशन आप ओपन करें। करीम की एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप राइट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये 3 डॉट का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक कर लें। दोस्तों, हेल्प के ऊपर आप क्लिक करें। हेल्प के ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है व्हाट आर करीम्स रेट्स, इसके ऊपर आप क्लिक कर लें। अब यहाँ पे आप सबसे ऊपर देखेंगे तो लाहौर लिखा हुआ आ रहा है। आप जिस सिटी में भी होंगे उस शहर का नाम ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। फिर भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, ये तमाम तर कैटेगरी आ रही है, गो मिनी, रिक्शा, गो बाइक, आप किसी भी कैटेगरी का रेट चेक कर सकते हैं। जैसे ये गो मिनी है, गो मिनी में आप देख सकते हैं स्टार्टिंग फेयर आ रहा है, पर किलोमीटर आ रहा है, पर मिनट आ रहा है, मिनिमम फेयर आ रहा है। तो इससे आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ जी, आपने कितना ट्रैवल किया है और कैप्टन आपसे कितना बिल ले रहा है। इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ जी, पीक फैक्टर के पैसे बने हैं या ड्राइवर ने ओवर चार्जिंग की है ज़्यादा ट्रैवल करके। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जी ऊबर की, आप ऊबर की एप्लीकेशन ओपन करें। ऊबर की एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपने जहाँ जाना है वहाँ की आप ड्रॉप ऑफ लोकेशन लगाएं। ड्रॉप ऑफ लोकेशन लगाने के बाद आपके पास ये तमाम कैटेगरीज आ रही हैं, ऑटो, मिनी, मोटो, तो जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोबारा फिर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से आप ये वाला इस आइकॉन के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो ये फेयर ब्रेक डाउन का ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस फेयर और उसके बाद ये मिनिमम फेयर पर मिनट पर किलोमीटर, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ जी, आपसे कितना बिल लिया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बाइकिया की बात करते हैं तो बाइकिया की एप्लीकेशन ओपन करेंगे। आप बाइकिया की एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप 3 डॉट पर क्लिक करें और यहाँ पे नीचे आ रहा है जी रेट्स, इसके ऊपर आप क्लिक कर लें। लाहौर के रेट्स मुख्तलिफ हो सकते हैं, कराची के मुख्तलिफ हो सकते हैं, इस्लामाबाद के भी मुख्तलिफ हो सकते हैं, हर शहर के अलग अलग रेट हो सकते हैं। तो आप अपनी सिटी सेलेक्ट कर लें, इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तमाम कैटेगरीज आ रही हैं, जैसे डिलीवरी है, राइड है, शॉप्स है, ख़रीद लो, कैश वगैरह, तमाम कैटेगरीज आ जाएंगी। जैसे मैं यहाँ पर राइड पर क्लिक कर लेता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग फेयर, मिनिमम फेयर पर किलोमीटर और पर मिनट का तमाम तर डिटेल्स आ चुकी हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप ख़ुद इन कंपनियों के रेट्स चेक कर सकते हैं कि बेसिकली इन कंपनियों के रेट्स क्या हैं और आपसे क्यों ओवरचार्जिंग किस चीज़ की जा रही है, हाई फेयर की जा रही है, पीक फैक्टर की जा रही है, या आपके साथ कोई ड्राइवर फ्रॉड करके एक्स्ट्रा फेयर बना रहा है। उम्मीद है आप दोस्तों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आप दोस्तों को मुनासिब लगे तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।